दोस्तों नमस्कार। सेहत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, और ये मेरे हाथ में एक दवा है। ये दवा, ये जड़ी बूटी कहूँगा इसको, ये जड़ी बूटी है 6 लाख रुपए क्विंटल, और इस जड़ी बूटी से इलाज होता है बवासीर का, जिसे हम इंग्लिश में पाइल्स कहेंगे। आज फिर मेरे साथ हैं वैद्य ऋषिपाल जी, और कुछ और फल हैं इनकी, ये दवा रखी है, ये कैप्सूल्स भी रखे हैं। शुद्ध प्योर सात्विक चीज़ें होती हैं, जहाँ पर किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता, उन फलों को लाकर वैद्य ऋषिपाल जी दवाइयाँ बनाते हैं, और हज़ारों मरीज पाइल्स के इनसे ठीक हो चुके हैं इनकी दवाइयाँ लेकर। और इसके अलावा शुगर की भी दवाइयाँ बनाते हैं, और किस चीज़ की दवाइयाँ हैं? शुगर की है, ये हमने सब लगा रखा है, शुगर, पाइल्स, वेट लोड, किडनी स्टोन की, अस्थमा, शारीरिक कोई कमजोरी है, इंद्रायण का अचार है, इंद्रायण का तेल है, त्रिफला चूर्ण है, कब्जनाशक चूर्ण है, इंद्रायण की साबुन भी हम बनाते हैं, अच्छा, दर्दनाशक चूर्ण है, दर्द एलकेजी कोर्स, लीवर, किडनी, गोलब्लैडर की सफाई के लिए है, जो कि स्वस्थ आदमी है उसके लिए है, थायराइड के लिए हम बनाते हैं, ये सभी उदर शीतलावटी, जो पेशाब पीला आ रहा है, या महिलाओं को पीरियड्स में या वाइटनेस की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये हम उदर शीतलावटी भी बनाते हैं। ठीक है, चलो ऋषिपाल जी, आज बात करेंगे सिर्फ हम बवासीर के ऊपर, पाइल्स के ऊपर। और ये एक ऐसी बीमारी है, बहुत सारे लोग किसी को बताते नहीं है, घर में नहीं बताते, फिर रिश्तेदारों को भी नहीं बताते, डॉक्टर के पास जाने से भी घबराते हैं, दूसरे शहर में जाकर डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, और उसके साथ साथ काफी मरीज ऐसे हैं जो कि ना बताने की वजह से कैंसर का रूप लेते हैं, और ये कहते हैं कि मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ा है, डॉक्टरों के पास मिलते हैं। एक कब्ज जब बिगड़ जाती है तो शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं बिगड़ी हुई कब्ज का रूप होती हैं, यानी कि कब्ज से बवासीर बनती है, जिसको बवासीर होगी फिर उसको बीमारियों की लाइन लग जाती है, यानी कि बिगड़ी हुई कब्ज को ही हम बवासीर कहेंगे। तो ऋषिपाल जी बताओ आप थोड़ा इस दवाई का, बवासीर के बारे में थोड़ा बताओ, ये क्यों होती है, क्या कारण है? पाइल्स की जो समस्या है, खास तौर पर गलत खान पान जी। देखिए, मैंने तुम्बा जो फल हम लेके आते हैं राजस्थान से, वहाँ मैंने देखा, वहाँ जो लड़के या लड़कियाँ व्यक्ति हैं उनका वजन नहीं बड़ा होता, अच्छा, बिल्कुल स्लिम सेट होते हैं, जो स्लिम सेट होते हैं। दूसरा, कई बार कोई साथी अगर गांव से चला जाता है गाड़ी के साथ तो बोलता है यार मोमोज खा ले, उस इलाके में मोमोज नहीं मिलेगी आपको जी, बर्गर नहीं मिलेगा, चाउमीन नहीं मिलेगी, हाँ पानी पतासा जरूर मिलेगा, क्योंकि पानी पतासा जो पानी वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए अच्छी भी है और नुकसानदायक, अगर ज्यादा खाएंगे तो नुकसान भी है। तो ये मैंने वहां पे नोटिस किया, और वहां के लोगों को पाइल्स नहीं है जी, राजस्थान के उन लोगों को पाइल्स नहीं है, क्योंकि वो दिन रात काम करते हैं, कई बार उनसे बात करते हैं, जी आप क्या करते हैं, बोल कि अठू सी चढ़ांगा और बठू न उतरांगा, मतलब यहाँ से चढ़ेंगे और उस तरफ उतरेंगे तब तक शाम हो जाएगी, वो पहाड़ों के ऊपर नहीं, वो टिल्ले टिल्लों के ऊपर उतरेंगे जी, क्योंकि कोई बकरी चराने वाला है, कोई कुछ है, शुद्ध जड़ी बूटियां उधर ही मिलती हैं, बिल्कुल उन लोगों को नहीं होती है। और जो अपने इधर हैं, जहां जहां विकास हो रहा है, जो दुनिया आगे बढ़ रही है, वहाँ वहाँ बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बहुत सही बात कही, जहाँ जहाँ विकास बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ शिक्षा बढ़ रही है, वहाँ वहाँ बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आदमी शिक्षित हो रहा है उसकी आमदनी बढ़ रही है, उसका खान पान गलत हो रहा है, और फिर बीमारियों का शिकार हो रहा है, वो बस पैसे कमाने के चक्कर में ऑर्डर कर देता है, यस यस यस, कि थोड़ा बहुत चलो थोड़ी भूख लगी एक पिज्जा मंगवा, दिखावे के लिए मंगवा लेते हैं, वो दिखावा भी है और साथ में समय भी नहीं है, बिल्कुल पैसे कमाने के चक्कर में। तो उस विषय में आपके सामने ये दो फल रखे है, ये तो आप जुल्फा हर्ड बोलते हैं, जुल्फा हर्ड, और ये अगर कोई मरीज जानता हो तो जुल्फा हर्ड, और इसके बारे में जिसने पढ़ लिया वो मेरे से पाइल्स की दवाई भी नहीं लेगा, वो यही खरीदेगा और अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये है निरंजन फल, निरंजन फल, इसका भी लगभग 2.5 लाख रुपए क्विंटल के लगभग रेट है, इनसे हम ये दवाई बनाते हैं। एक मैं रोकना चाहूँगा, इन्होंने कहा वैद्य जी ने, जो इसके बारे में पढ़ लेगा वो दवाई नहीं खरीदेगा, आप इस तरह गलती ना करें, क्योंकि कितना लेना है, किस मात्रा में लेनी है, किस चीज़ से मिला के लेना है, वो सारे आप डॉक्टर से मिले, नहीं तो किताब में पढ़ के सारे डॉक्टर बन जाएंगे, अपने आप डॉक्टर ना बने। और किसी भी चीज़ की अति लेना
या कम लेना, वो भी दोनों नुकसानदायक करते हैं। नुकसान भी इतना आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है, इसलिए हमेशा खुद डॉक्टर ना बनके घर में डॉक्टर ना बने, वैद्य से संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें, संपर्क करके आप बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे यहाँ आप बोलेंगे कि जी हमारे पास ये उपलब्ध है तो हम बता देंगे मिश्रण नीति। चलो ये भी कोई नहीं बताएगा, नहीं हम बताएंगे जी, हम आपको पहले बोल रहे हैं, जो हमसे पूछना चाहे हमारे पास ज्ञान है वो हम देंगे, और ऐसा नहीं कि हम नहीं पूछेंगे, हम उनके पास जो ज्ञान है वो हम भी लेंगे। चलो बहुत धन्यवाद। उसके साथ हम ये आप देख सकते हैं कवचनाशक चूर्ण देते हैं, क्योंकि पाइल्स की जो समस्या होती है उसमें जो गुदा द्वार है वो फिक्स है, उसमें जब लैटरिंग टाइट हो जाता है तो जब हम लैटरिंग जाते हैं उस समय जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाएंगे तो जो गुदा द्वार है जो फिक्स है उसमें से जब लैटरिंग निकलता है तो वो उसको स्क्रैच करता है, क्योंकि वो टाइट हो जाता है, वो स्क्रैच करता है, तो जो मस्से हैं जो छोटे छोटे चने के साइज के मस्से हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रैच होने की वजह से उनमें दर्द होना और खून आना स्टार्ट हो जाता है। पाइल्स कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है अगर ध्यान दें तो, और ध्यान नहीं दिया तो कैंसर का रूप भी ले सकती है। बिल्कुल, भगंदर बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, चीज एक ही है, भगंदर का जो रूप है वो खतरनाक हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जब भगंदर उन लोगों को ज्यादा होती है जो ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें घाव ज्यादा हो जाते हैं और कई बार तो कीड़े पड़ने की भी संभावना हो जाती है। यानी कि कब्ज के बाद बवासीर, बवासीर के बाद भगंदर, भगंदर यानी बवासीर का बिगड़ा हुआ रूप। हां बिगड़ा हुआ रूप। उसमें क्या होता है, रेशे होते हैं पाइल्स में, गुदे में रेशे, खून के रेशे आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो रुकते नहीं हैं, उस दौरान उनमें कहीं ना कहीं मक्खी बैठने की वजह से कीट भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भगंदर का हम इलाज अगर मामला नहीं बिगड़ा है तो हम कर सकते हैं, बाकी भगंदर का हम नहीं करते जी, लेकिन बवासीर और कब्ज का करते हैं। बवासीर में आपको चाहे बादी बवासीर हो या खुन्नी बवासीर हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का करते हैं। पाइल्स उनको होगी जिनका पेट खराब है जी, ज्यादा दिन से है, या फिर जो ज्यादा गर्म चीजें खा रहे हैं, जैसे कि आप साउथ में देखते हैं लुंगी बांधते हैं, उनको लुंगी बांधना पसंद नहीं है, लेकिन लुंगी वो इसलिए बांधते हैं कि लगभग लगभग सभी को पाइल्स होती है। अच्छा। क्योंकि मच्छी और मांस मीट वो सबसे ज्यादा खाते हैं तो गर्मी इतनी होती है इसलिए वो उधर के लोग लुंगी बांधते हैं। जो मुस्लिम जो एक जाति है उनमें पाइल्स की दिक्कत ज्यादा होती है क्योंकि वो मांस मीट ज्यादा खाते हैं तो उनको गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ने के वजह से पेशाब पीला आना स्टार्ट हो जाता है। अब पेशाब में कितनी गर्मी निकलेगी, उस दौरान उनको फिर मस्से फूलने स्टार्ट हो जाते हैं और फूल जाते हैं। अगर जिनको स्टार्टिंग हुई है, और एक होता है अनिमो, अनिमो हम डॉक्टर से करवाने जाते हैं जी। अगर अनिमो अच्छी चीज है वैसे, लेकिन कई बार क्या होता है श्रम करते हैं लोग, तो आप डायरेक्ट किसी के पास ना जाएं, अपनी लैटरिंग की सीट पे जाएं और लैटरिंग की सीट पर जो फुहारा हम यूज करते हैं वो गुदा पे लगाएं और पेट में पानी जाने दें। ये आपको एक नेचुरल बता रहा हूँ बिना पैसे की दवा, जैसे ही पेट में पानी जाएगा उसके 2 मिनट आप रुके, आप थोड़ा घूम फिर लें, घूम फिरेंगे तो वहां क्या होगा, जो आपका पोटी है लैटरिंग है वो घुल जाएगा, एक लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनने के बाद में आप आराम से लैटरिंग जा सकते हैं। ये नेचुरल और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक आपको अनिमो बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं। चलो दवाई के बारे में बताओ। इसमें सबसे पहले हम देते हैं बवासीर चूर्ण, बवासीर चूर्ण में सभी मिश्रण होते हैं। बवासीर चूर्ण सुबह शाम दोनों टाइम लेना होता है, सुबह दही के साथ और शाम को पानी के साथ लेना, ठीक है। उसमें देते हैं हम त्रिफला, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखेगा। त्रिफला सुबह शाम दोनों टाइम लेना होता है, सुबह पानी के साथ और शाम को भी पानी के साथ लेना होता है। त्रिफला क्या करेगा, ये करेगा आपकी जो भी मस्से फूले हुए हैं या दर्द हो रहा है उनको ठीक करेगा, ये करेगा आपकी कब्ज को कंट्रोल, उसको कब्जी नहीं होने देगा जी। और उसके बाद में देते हैं जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो कब्जनाशक चूर्ण आपको प्रयोग करना है, ये 15-20 दिन या 1 महीने चलेगा, वो फिर आपको आगे नहीं होने देगा। उसके साथ साथ में हम ये एक डिब्बा देते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पानी के साथ लेना होता है। ये उधर शीतलावटी हम कैप्सूल देते हैं जिनको पेशा पिलाता है, इसमें आपको मैं बता दूं नीम ना सॉरी शीशम पिपल और बेलपत्तर और सदाहरी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। कभी लोग सोचें कि भाई पता नहीं क्या पैक कर दिया, अगर आप ये यूज नहीं करना चाह रहे तो आप पिपल का पत्ता यूज करो, शीशम के यूज करो, बेलपत्तर के पत्ते यूज करो और सदाहरी है तो वो यूज करो, 5-5 पत्ते कर लो। जिनको पाइल्स की दिक्कत है वो हमसे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, 15-20 दिन या 1 महीना आप वो प्रयोग करेंगे तो उनसे भी ठीक हो जाएंगे। ये सभी आइटम हम देते हैं, 5 आइटम इसमें पाइल्स की जो दवा
हुआ है और बिल्कुल बस हाँ ये ध्यान रखें थोड़ा गर्म चीज लाल मिर्च और अदरक लहसुन ये दवाई लें तब तक नहीं लेना है, आप 100% ठीक हो जाएंगे। इसकी कैसे मरीज मंगवाएं, क्या इनकी कीमत कुछ बताना चाहोगे? इनका 1000 रुपए की हम ये दवा देते हैं। ये चारों? हाँ पाँचों 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 ठीक है। एक बात करमवीर जी और देखेंगे आप जहाँ डॉक्टर मिलने की फीस लेता है वहाँ इतने में हम दवाई दे देते हैं, दवाई दे एक महीने ठीक है। चलो 1000 की दवा होगी, मंगवाएं कैसे? ये कोरियर से मंगवा सकते हैं। कोई एड्रेस पता, फोन नंबर? गांव डेरली जाट जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा ऋषि हर्बल आयुर्वेदा 7056406064 हमारा नंबर है। उसके अलावा 99 91 045 917 और 918 भी हमारे नंबर हैं। इन पे हेलो करते ही आपको हमारे जो डिटेल आपके पास आ जाएगी उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 9 से और शाम को 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और कोरियर से मंगवा सकते हैं। और दूसरा, किसी को भी अगर जेंट्स है लेडीज है पाइल्स की समस्या में किसी को भी शर्माना नहीं है, खुल के बताना है ये समस्या है जी। और यहाँ आए तो हम अनिमो कर देते हैं, ऐसा हम भी नहीं शर्माते हैं, लेडीज को हम अलाउ नहीं करते, जेंट्स कोई भी आ सकता है हम अनिमो कर देते हैं, जिनको ज़्यादा समस्या होती है तुरंत रिलीफ होता है। और कोई घर पे भी करना चाहे तो एक बोतल में नलकी लगा करके वो भी आप यूज कर सकते हैं, जिनको भयंकर अगर कब्ज है तो वो छाछ का अनिमो भी ले सकता है। अच्छा, छाछ का भी अनुमोद होता है? हाँ, छाछ का अनुमोद ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बताइए और ये क्या फल बताया इसकी? ये निरंजन फल है। हाँ। शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, लीवर किडनी हाँ। को साफ करता है और ठंडा होता है और पाइल्स के लिए बहुत ही जबरदस्त फल है। ये भी इन चारों दवाई में? हाँ, सभी में जो आपके पास मैंने दिखाया है वो सब इसमें मिलेगा। यानी कि इसमें कोई केमिकल नहीं, शुद्ध सात्विक दवा, किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। अगर आप सर 1 घंटे पहले आते हैं तो आपको पैकिंग करते दिखा देते, अच्छा, और 2 घंटे पहले आते हैं तो पीसते हुए दिखा देते हैं सब कुछ, क्योंकि हम सप्ताह में एक बार दवाई बनाते हैं और सबके सामने बनाते हैं, कोई छुपा के नहीं बनाते, सब कुछ आपके सामने ओपन रहेगा। ठीक है, चलो भाई, हम आए थे यहाँ पर एक दिन, हमने पहले विजिट की थी कुछ दिन पहले, और आज फिर हम यहाँ आए हैं और एक और हमारे कुछ जानकार भी, उन्होंने ये दवाई ली है और काफ़ी आराम लग गया, तो उन्होंने बताया कि आप एक बार ऋषिपाल गौतम जी को ज़रूर थोड़ा हा लोगों के बीच में लेके आएँ, उनके बारे में थोड़ा लोगों को जानकारी दें। ऋषिपाल जी ने एक बीड़ा उठाया है बहुत ही कम रेट में, और जो आजकल ये जो दवाइयाँ हैं आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम कहें कि बहुत कम मिल रही हैं और लोगों को इनके बारे में ज्ञान नहीं है, तो पूरे देश भर से घूमकर ऐसी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रहे हैं जो कि ऐसी जगह पर होती हैं, जो जगह आज तक बिल्कुल प्योर जैविक है, वहाँ उस ज़मीन में किसी तरह का रसायन का केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था शुगर की जो दवाई देते हैं वो राजस्थान के उन टीबों से, पहाड़ी इलाकों से, वहाँ वो नरमुंडा लेके आते हैं, बसलूम्बा लेके आते हैं, जहाँ पर आज तक कभी केमिकल या यूरिया नहीं डला है, तो उससे दवाई बनाते हैं। 6 लाख रुपये की ये जड़ी बूटी है। क्या नाम बताया था इसका? जुल्फा हार्ड 6 लाख रुपए क्विंटल ये जड़ी बूटी, इससे बवासीर की दवाई बन रही है और ये नारायणी है इससे आपका दवाई बन रही है। आप ऋषिपाल जी से संपर्क करें और ये ऐसी है, दरअसल हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है, लाइफस्टाइल के कारण सुबह उठते ही नहाना धोना, ड्यूटी के लिए भाग जाना, सारा दिन काम रहना, रात को 8-9 बजे आना, आते ही खाना खाया फिर सो गए, अगले दिन फिर भाग गए। ना आपको कहीं पार्क में घूमने के लिए समय है, ना सेहत के लिए एक्सरसाइज का समय है, ना कहीं योगा करने का समय है, तो ऐसे चलते लोगों का खान पीन दिन में भागते भागते कुछ रोटी खा ली, दिन में कहीं पिज़्ज़ा खा लिया, कहीं बर्गर खा लिया, कहीं चाउमीन खा ली, तो उसके चलते आजकल ये जो बीमारियाँ हैं, कब्जी है, बवासीर ये हो रही हैं, उसी के चलते आप ये दवाई लें। और सबसे बड़ी बात है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं 1000 रुपये सिर्फ वो चेकिंग की फीस ले लेता है, इतने में आपको ये शुद्ध दवाई मिल रही है, इसका आप प्रयोग करें, उठाएं, आपको पट्टी पे जो नंबर दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, कुरियर से मंगवा सकते हैं। मिलना चाहें तो यहाँ हम महेंद्रगढ़ ज़िले में खेतों के बीच में ड्रोली जाट गांव में आए हैं, या इनके पास आ सकते हैं। कुछ और आप कहना चाहें मन की बात यहाँ? हाँ बिल्कुल, यही था करमवीर जी के जो पाइल्स की जो समस्या है वो गलत खान पान की वजह से है, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन या अन्य जो भी सामान है जो मतलब पैकिंग फूड
एक प्रकार से हम पैकिंग फूड कह सकते हैं, क्योंकि जो पैक होकर के आएगा उसमें सोडियम बेंजोएट मिलेगा और जो कि वो बीमारियों का कारण होता है जी। जो पैकिंग फूड है, क्योंकि आजकल गेहूं का चलन ज़्यादा हो गया, पहले बाजरा खाते थे या मोटा अनाज खाते थे, वो भी नहीं रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का भोजन इंजॉय करने के, मान लो आप राजस्थान में गए तो वहाँ की काचरी है, वहाँ के जो खिचड़ी है या वहाँ का जो ग्वार है, ग्वारी है, वो भोजन इंजॉय करें ताकि वहाँ की जो सेहत का राज भी आपको पता लगे। और अभी थोड़ा हम जल्दबाजी में हैं और आज तो हम निकलते हैं, एक दूसरी वीडियो अगली 4-5 दिन बाद फिर आएंगे। उस दिन किस पे बनाएं फिर? उस पे पथरी पे हम पथरी बनाएंगे। पथरी बहुत बड़ी समस्या, घर घर में पथरी के मरीज़ हैं। अभी चलते चलते हम यहाँ पर आए थे और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, ऋषिपाल जी के पास फिर आएंगे, पथरी के बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना। मैं आपका दोस्त रामपाल, धन्यवाद।